सुनो ना ना। तो गाइस चूल्हा बना दिया है, लकड़ी डाल दी है, अब ये पेट्रोल हम लोग छिड़कने वाले हैं। तो गाइस हम लोग इस पत्थर को धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं जल्दी से गैस करो, क्यों धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं? पहाड़ों में पहाड़ी लोगों के साथ पहाड़ी मैगी खाने का मजा। उसके हाथ रख देते सच में अगर अवतार होंगे भैरव बाबा के साथ चलेंगे। तो गाइस एक और पानी का सोर्स है, यहाँ से तीन रास्ते कट रहे हैं, इधर से हम लोग आ रखे हैं, एक ऊपर जा रहा है उसमें बिल्कुल मत जाना, एक नीचे जा रहा है उसमें बिल्कुल मत जाना, एक जा रहा है इस घर की तरफ उसमें चले जाना जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो रास्ता बता दिया हमने, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यार, इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने। ये पाताल नचने कितने दूर होगा, नचने अभी थोड़ा आएगा पाताल नचने, बहुत टाइम है भाई। कितना कितना घंटा लग जाएगा हमें अभी जा रहे हैं? हाँ लेकिन पहुँच गया यार, नहीं पहुँच पाएंगे आज, आज पहुँच ही नहीं पाओगे भाई। तो नीलगंगा कुछ करके है ना, नीलगंगा तो यहीं पे है, हम अपना टेंट लगा सकते हैं, जानवर का दिक्कत तो नहीं है, जानवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाना पीना पानी वगैरह बना सकते हैं स्वयं भाई, पानी पानी वही है। चलो ठीक है, धन्यवाद हाँ। धन्यवाद। तो ये लोकल बंदे थे, इनसे हमने थोड़ी हेल्प मांगी। हेल्प क्या मांगी, मतलब कि पूछा बस थोड़ा, पाताल नगर बहुत दूर है यार नहीं आ जाएगा, कल ही जाएंगे भयंकर, कल सीधा बेदनी बुग्याल तक जाएंगे। हमें अपनी टेंशन नहीं है, भाई की टेंशन नहीं, देखो तेरे को थक लग गई, ठीक है आज इधर ही रुकेंगे। गाइस हमारे पास सामान कितना हो गया, एक बैग ये रहा, स्लीपिंग बैग तो चलो छोड़ो लेकिन फिर भी यार वजन तो वजन है। उसके बाद ये बैग और एक और ये रहा, इसके अंदर पेट्रोल की बोतल है और ये पेट्रोल भी अलग से, ये तो हमने आग जलाने के लिए रखी हुई है। गलती ये कर दी कि अगर आप लोग ट्रैक करते हो रूपकुंड का तो यार थोड़ा जल्दी निकलो, एटलीस्ट ना ये 4-5 दिन का ट्रैक है मेरे हिसाब से, इतने वजन के साथ अगर आप लोग खच्चर वगैरह करते हो तो 2 या 3 दिन में आप लोग कर लोगे, वापस आ जाओगे। तो एक बड़ा जी मिले हैं ना कि दादाजी, इनसे पूछते गाँव का नाम क्या है, इस गाँव का नाम क्या है? वाण। वाण, ये भी वाण में आता है, वाण है, ये पूरा वाण है, ऊपर तक वाण है, ऊपर ना ऊपर तक वाण, अली बुग्याल, अली बुग्याल, गैरुली पाताल, गैरुली पाताल बहुत दूर है ना, बेदनी, अच्छा अलग अलग है, हाँ पाताल नदनी अलग अलग नाम है। अच्छा आज मालिक एक सेल्फी ले, तो ये आपकी घर जी? अच्छा हाँ, अच्छा तो अकेले कोई आदमी आके साथ? ना ना अकेला, हम अकेला जाना है जी, जी क्यों ना लग गया है ना रास्ता लग गया है ना। तो गाइस बॉर्डर जी के साथ सेल्फी खींच के आपको दिखाता हूँ मैं, चलो बाय। हाँ हाँ नंद देव करके कुछ है यहाँ पे, 100 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा अगर आप लोगों को आना होगा तो, तो थोड़ा बहुत रुपए में 40-50 रुपए में आपको खाना मिल जाएगा और 100 रुपए में स्टे, बढ़िया है। बट हम लोगों को आगे जाना है यार, बहुत आगे जाना है ना ना। तो गाइस हम लोग किसी गांव वाले से पूछ रहे हैं चाय की व्यवस्था हो जाएगी, चाय मिल जाए यार थोड़ा सही है, थोड़ी दूर पर फिर टेंट लगा देंगे और इधर पर रात को खाना बनाएंगे, आराम से थोड़ा रेस्ट करेंगे यार आज, क्योंकि कल भी सोए नहीं थे तो थोड़ा उसका भी रेस्ट हो जाएगा। तो गाइस एक घर में रुके हुए हम लोग और अभी बारिश आ रही है देखो, तो हम लोग सोच रहे कि अब ज़्यादा दूर नहीं जाते, गैरुली पाताल जो कि यहाँ से लगभग अब 7 या 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक तो खैर पहुँचना बेकार है क्योंकि मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो गया, लोकेशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा व्यू है, बहुत तगड़ा, मतलब मज़ा आ जाएगा देख के, बस वही है कि हम थोड़ा सा वहाँ पे आके कहीं जाके अपना टेंट लगाते हैं। तो गाइस बारिश तेज़ हो गई बहुत ज़्यादा, तो हमने अपना सामान यहीं पे रख दिया, अब ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे हम, बस इधर तक ही जा पाएंगे आज। तो गाइस ये लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा, टेंट वगैरह लगाने के लिए पानी का सोर्स भी ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि यार अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, थोड़ा और आगे तक चला जाए, बट थोड़ा बारिश दिक्कत कर रही है, बट कोई नहीं ठंड लगने लग गई, अब ग्लव्स पहन लिए हैं, अब आगे की तरफ निकलते हैं, थोड़ा उन घर तक पहुंच जाए ना फिर वहाँ पे कहीं टेंट लगा लेते हैं, पानी का सोर्स थोड़ा आसपास ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। उस साइड को टॉप पे अगर आप देख रहे होंगे तो चिकनी पहाड़ी दिख रही है, उसको कहते हैं अली बुग्याल, बहुत लंबा फैला गया है अली बुग्याल, और इसी की साइड कहीं है वेतनी बुग्याल भी पीछे की साइड, ये लो लेनी है एक, उसको भी दे, क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया, दिव्या, उसका भावना, चलो ठीक है बाय। तो गाइस थोड़ी देर पहले हमने आपको लोकेशन दिखाया था, हम लोग वहाँ पे थे जहाँ पे मैं सोच रहा था कि टेंट लगाएं, बट हम लोग चलते गए यहाँ पे हमें पानी का सोर्स मिला है, मेन हमारा क्या है कि पानी का सोर्स मिले तो हम लोग खाना वाना इजीली बना सकते हैं, फिर बर्तन भी धो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पानी कैरी करना 2-2 लीटर 4-4 लीटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा, पानी का सोर्स जस्ट यहाँ से 70 से 100 मीटर की दूरी पर है,
दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, दोनों काल भैरव, एक ये नया जुड़ा है हमारे साथ, हमारे पीछे आया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे टेंट लगाते हैं लोग इधर पे, और यहाँ पे शायद आग जला रखी है। देखो आप अगर देख रहे होंगे ये कोयले हैं, कुछ दिन पहले के हैं, रिसेंटली तो नहीं है। इधर ही हम लोग आग जलाएंगे, इधर पे अपना टेंट लगा सकते हैं, बिल्कुल प्लेन इलाका है। और रूपकुंड के लिए वो रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, तो ज़्यादा नहीं जाते हैं, आज इधर ही स्टे करते हैं, क्योंकि आज हमने लेट स्टार्ट किया, वरना दिक्कत क्या आएगी पता। हम चलने को तो बहुत चल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, आगे जाके पानी का सोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने को ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे पानी नहीं रहेगा। तो आज यहाँ पे स्टे करते हैं, सुबह यहाँ से निकलेंगे लगभग 7-8 बजे के करीब, सीधा कल आगे की तरफ। अभी तो गोद में ही बैठ गया। हर बाबा देखो कितना प्यार करता है हमें। तो अभी हम पहले चूल्हा बना रहे हैं अपने लिए, चूल्हा बन जाएगा फिर हम लोग पानी की बोतलें भर के ला सकते हैं। पहले हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि चाय की तलब लग रही है, और मैगी खाएंगे जो कि होगा हमारा दिन का नाश्ता, उसके बाद फिर रात को दाल चावल बनाएंगे। तो जैसे भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, और टेंट यहाँ पे लगा देंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह है, थोड़े बहुत पत्थर वगैरह हैं, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा ताकि हमारा एरिया बिल्कुल प्लेन हो जाए, टेंट ईजिली सेटअप हो जाए। और चूल्हा बना रहा भाई, तो चलो ये चूल्हा बनाता है, मैं लकड़ी ढूंढता हूँ। मतलब पूरी रॉ लाइफ यार, मतलब ओए ये मेरा, देखो मेरे दस्ताने कैसे ले गया भाई, मेरे दस्ताने ले गया, अरे तू शेर बन रहा क्या, मेरे दस्ताने चुरा के ले रहा है। तो उसको भूख लगी है मुझे मालूम है, इनको भी कुछ खिलाना पड़ेगा। अब इतना राशन तो हमारे पास है नहीं कि यार कि दो दो का पेट भर सके, बट कोई नहीं, जितना भी है यार हमारे साथ यहाँ तक आए, तो अब हमारा थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता है कि इनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करें। ओए ओए वो फिर दूसरा जने चला गया। आपको वह चारों तरफ का लोकेशन दिखा देता हूँ, बहुत तगड़ा है। रूपकुंड इस साइड को है, अली बुग्याल ये ऊपर की साइड बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा है अली बुग्याल भी। और देखो जो वाइट वाइट पर दिख रहे हो सारी बुग्याल है, और ये देखो ऐसा कुछ पूरा लोकेशन है। इस लोकेशन के बीच में यहाँ पे हम लोग खाना बनाएंगे जैसे बता दिया मैंने। और थोड़ी देर पहले जहाँ पे हम थे, जहाँ पे उन लोगों ने कहा था कि स्टे कर सकते हो, वो भी ऐसे ही एरिया था, बट उसमें पानी का सोर्स थोड़ा हमें दूर लगा। तो उस लाल वाले घर पे अगर दिखाई दे रहा होगा शायद, या तो उस पहाड़ी की टॉप पे, वहाँ पे थे हम लोग। तो चलते गए तो एक दीदी है यहाँ पे, या फिर भाभी बोले या फिर आंटी बोले, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लगा सकते हो, लोग लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लकड़ियाँ हम लोगों ने इकट्ठा कर दिया थोड़ी बहुत अभी के लिए, बाकी बात की देखेंगे, ठीक है, इतनी लकड़ियों से काम चल जाएगा। अभी चूल्हा बना दिया अपने लिए, अभी सामान निकालते हैं, चाय बनाते हैं पहले। तो चाय का सामान सब इसमें है। तो गाइस ये हमारा राशन है, इसमें हम लोग राशन लाए, थोड़ा इसमें है, थोड़ा और बैग में है इधर उधर, चाय पत्ती वगैरह सब चीज़ मसाले वगैरह। तो गाइस चूल्हा बना दिया है, लकड़ी डाल दी है, अब ये पेट्रोल हम लोग छिड़कने वाले हैं, तो थोड़ा सा छिड़केंगे पहले। पैन लेके आए थे हम लोग, पानी की सुविधा है बट ऑलरेडी हम लोग लेके आए थे नीचे से, तो चलाने उलाने के लिए हो जाएगा, यानी कि धोने के लिए। मस्त आग लग गई, थोड़ा कोयले बन जाए उससे एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी वजह से। तो पहले हमारा प्लान है कि सिर्फ चाय बनाए, उसके बाद थोड़ा मैगी बनाए, क्योंकि भूख लग रही है यार। और इसमें हमने फास्ट खोल दिया, खोलना ही पड़ा यार, क्योंकि ये भी थक गया था इसलिए। तो उसने सेब खाया तो उससे अपना फास्ट खोल लिया, उसके बाद इसने थोड़ी सी नमकीन खा ली थी बस। अब गांव के स्टाइल में चाय पियेंगे, बाकी डिस्पोजल वगैरह हम लेके आए हैं, दूध भी लाए हैं थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा सुबह। बाबा कमाल कर रहे हो यार। कैसा लगा फिर? बहुत मज़ा आ गया। देख रहे हो पहाड़ों में गर्मा गर्म चाय बन रही है, आप देखो आगे आओ, देखो पैन हमारा काला हो गया पूरा। तो गाइस ये अमूल दूध लेके आए हम लोग, और ये काफ़ी दिन तक रहेगा हमारे पास, काफ़ी दिन तक है, मतलब जितना भी यूज़ होगा, आज रात की चाय और कल सुबह की तो हो ही जाएगी, कल सुबह ज़्यादा बनाएंगे इससे। अभी तो ये दो बार की चाय है, क्योंकि एक बार से हमारा पेट नहीं भरता। दो बार चाय चाहिए गढ़वाली ब्रो। हाँ वी आर गढ़वाली, वी आर पहाड़ी, तो एटलीस्ट दो बार कंटिन्यू चाय चाहिए हम लोगों को, तब जाके कुछ होगा। बड़ी मस्त आग लग गई, देखो डाले इसमें दूध, डालो, क्या गजब चाय बनी हमारी, वाह। थोड़ा हमारे पास छानने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट चाय रखेंगे। तो गाइस हमारी गर्मा गर्म चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखो वाह, नेचर का मज़ा चाय के साथ ही तो होता है, पहाड़ियों की फेमस चाय। तो अभी हम इसमें भर रहे हैं स्टोर करने के लिए, अभी इससे पियेंगे, क्योंकि इसमें हम बनाने लगे मैगी। ये लो आपकी चाय पत्ती भी यहीं रुक गई है, बस अब इसको चला देंगे हम लोग। ये देखो चाय पत्ती भी यहीं रुक गई है। तो गाइस हम लोग इस पत्थर को धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं जल्दी से गैस करो, क्यों धो रहे हैं जल्दी बताओ क्यों धो रहे हैं। अभी आपको पता चलेगा हमने इसको क्यों धोया। ये हमारा तेल है, और ये प्याज टमाटर हम लोग लेके आए हैं, हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं हमारे पास, दरअसल हम इसमें प्याज टमाटर रखेंगे, इससे काटेंगे इसको। तो गाइस मैगी बना रहे हैं हम लोग,
तो ये तेल डाल दिया हम लोगों ने, तेल वहाँ पे रखा है, और यहाँ पे प्याज टमाटर काटे जा रहे, देखो सही काट रहे हैं हम लोग। हवा बहुत तेज चलने लगी ठंडी ठंडी, तो जितनी जल्दी हो सके खाना वाना बनाओ। ये क्या डाला भैया आपने? प्याज डाल दिया भाई, प्याज। अच्छा, प्याज होता है यहीं पे काटा है, देखो पत्थर पे, देखो। इसके बाद डालेंगे टमाटर, फिर मैगी डाल देंगे, थोड़ा सा उसको भुनेंगे, और फिर पानी डाल देंगे, और हल्दी नमक मिर्च सब डाल देंगे। ये डाला हमने मैगी मसाला। हम लोग चार लोग हैं, एक दो तीन दो चार, ये दो मसाले डालेंगे बाद में। तो गाइज आज आपको पहाड़ों में रह के पहाड़ों की मैगी पहाड़ी स्टाइल में खिलाएंगे हम लोग। उसके बाद पहले चाय वाय पियेंगे, फिर मैगी खाएंगे, उसका थोड़ा साफ ऑफ करेंगे, लकड़ी लेके आएंगे, रात का इंतज़ाम करेंगे, दाल चावल बनाएंगे, आटा हम लोग लाए नहीं तो फिर कोई नहीं, दो तीन दिन खिचड़ी तो दाल चावल में निकालेंगे। आ जाओ आ जाओ, हो गया तुम्हारा टाइम, अभी थोड़ा ही गल जाए ना, इसके बाद थोड़ा पानी डाल के और इसमें डालेंगे मैगी मसाला, और फिर थोड़ा सा पानी और डालेंगे, थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और फिर इसको सूखने देंगे। पहाड़ों में पहाड़ी लोगों के साथ पहाड़ी मैगी खाने का मजा कहीं मिले ना मिले हम लोगों के साथ जरूर मिलेगा भाई। आप क्या जानो दिल्ली वालों। अब ये लोग ऐसे फंस गए, ये ना वापस घर जा सकते हैं ना ये कहीं और आगे जा सकते, इसलिए हमारे साथ ही रहेंगे ये लोग। क्या हो रहा है कि जो कोयला उड़ रहा है ना हल्का हल्का, इसके ऊपर गिर रहा है, तो उसका भी टेस्ट जबरदस्त आएगा हमको। पहाड़ी मैगी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार है, देखो कितनी जबरदस्त लग रही है। सबसे पहला बाइट आप लोगों के लिए, खाओ। दूसरे बाइट के हकदार ये लोग हैं दोनों। तो गाइज एज पर रूल सेकंड बाइट हमारे भोटिया के लिए, पहला आप लोगों के लिए था, दूसरा इनके लिए। पूरे चट कर गया बेटा, और देखो इसको। वाह वाह क्या सीन है, सीन है। खाओ बाबू खाओ, पहले टेस्ट कराना पड़ेगा क्या? ये घर वाला कुत्ता आंदा, पहले टेस्ट कराओ। अब हम लोग रखते अपने लिए गर्मा गर्म मैगी, टेस्ट करके बता दो कैसा होना है भाई ने। तो हाथ से ही खाते हैं देसी स्टाइल में, गर्म हो रहा है। वाह क्या सीन है, क्या सीन है, जबरदस्त यार, मजा आ गया, उंगलियां चट करने वाला मन कर रहा है। चल बेटा तेरा हो गया, दो चम्मच उसके लिए। बहुत टेस्टी, टमाटर का जो स्वाद आ रहा है ना इसमें, मस्त, बहुत तगड़ा। बाकी अब उसको लेके आता हूँ, ए उधर रहे आप, ले। अब दूसरे को देने जा रहे थे, वापस आ गया, उधर रहे। चाय मैगी कैसी लग रही है? चीयर्स, चीयर्स फॉर द गुड हेल्थ। ये है पहाड़ियों का। चाय ठीक है, थोड़ी सी में चीनी कम है, बट कोई नहीं, पहाड़ी लोग ऐसे ही फीकी चाय ज़्यादा पीते हैं। ये कैसे देख रहा कमीना? तो भाई जी कैसी लगी आपको मैगी? बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया। मज़ा आया? बिल्कुल नहीं बचेगी, बिल्कुल भी नहीं, इतनी ज़बरदस्त है, रात को खाना भी ऐसी बनाना। बिल्कुल। आग में जला दूंगा, पानी में भर दूंगा, बर्तन में धो दूंगा, खाना बना दूंगा। तो भाई की डिमांड है खाना हम बनाएंगे, तो बिल्कुल सब मैं कर दूंगा, बनाएंगे जरूर, बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने मैगी और चाय तो खा लिया, अब हम लोग बनाने वाले दाल, थोड़ा बर्तन साफ़ करेंगे, तब तक दाल रख देंगे तो जब तक सीटी आएगी तो ठीक है। अभी फिर से आग जलाई जा रही है, दाल ये रही अरहर दाल, कुकर ये रहा अपने पास, ठीक है, इसको अपन लोग धो देंगे क्योंकि अपने लिए रीयूज़ हो जाएगा, ये फेंकना नहीं है इसको। तो मेहमान हमारे खा के सो चुके हैं देखो, तो ये लकड़ियाँ लेके आया हूँ मैं थोड़ी बहुत, जो कि थोड़ा अच्छा कोयला बना सकती है हमारे लिए और थोड़ा लंबा चल सकते हैं। बाकी ये जो लकड़ी है इसकी टहनियाँ ये ज़्यादा नहीं चलती। तो हम लोग सिर्फ अभी से इसलिए खाना बनाने लग गए क्योंकि अभी 4:30 हो रहा है, जब तक हमारे पास लाइट है ना ज़्यादा नहीं है, अब से सिर्फ 1.5 घंटे और, तो इसके बीच में अगर हम लोग खाना बना देंगे तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद क्या होगा कि अपन लोग आराम से रेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ खाने के लिए बाहर आएंगे क्योंकि ठंड भी धीरे धीरे करके ना बढ़ती जा रही है, तो हाथ भी थोड़े थोड़े सुन्न होते जा रहे हैं। तो अभी हम लोग दाल बना रहे हैं, पानी का स्रोत यहीं पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमने ये वाली लोकेशन चूज़ करी। दाल रख दी हम लोगों ने, तड़का भी थोड़ी देर बाद मारेंगे, अभी आग जला रहे हैं, अभी हम लोग फिर इसको धोने जा रहे हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम बर्तन धुलने। हाँ भाई कैसा लग रहा है?
बस बढ़िया लग रहा है यार, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा पानी, चिल मजा आ रहा है काफी ज्यादा। अभी से पियेंगे हम पानी और भर के भी ले जाएंगे बॉटल वो रही। बस ये तो बचा रहे हम लोग कि बाई चांस कुछ काम आ जाए वापस से, और हम नहीं चाहते कि वेस्ट होना। और कुछ भी चीज़ ध्यान रहे, अगर आप लोग यहाँ पे आते हो रूपकुंड ट्रैक में या किसी भी ट्रैक पे उत्तराखंड के या किसी भी शहर के, तो जैसे ये डिस्पोजल है इनको फेंक मत देना, कोई भी चीज़ खाते हो फेंक मत देना। हम लोगों ने बिल्कुल नहीं फेंका, या तो हम लोगों ने डायरेक्टली इसको जला दिया, और जिसको जलाया नहीं तो ऐसे जैसे डस्टबिन बने हुए बीच बीच में बहुत कम जगह उधर पर डाल के आ गए हम लोग, बट ऐसे नहीं कि इसका यूज़ हो गया फेंक दिया। अभी हम इसको वापस से यूज़ करेंगे, जब तक ये चलेगा तब तक हम इसको चलाएंगे। ये जैसे मैगी चिपक गई थी तो हम लोगों ने थोड़ी मिट्टी डाली ताकि इससे जो चिपका हुआ पन्ना वो सब निकल जाए, और ये घास से मैंने स्क्रब बना दिया, स्क्रब टाइप। तो इससे देखो अब ऐसे देखो हम रगड़ेंगे तो सारी गंदगी ऐसे निकल जाएगी। जैसे घर में क्या होता है वो आता है ना 10 रुपये का वो ना जो स्क्रबर, स्क्रबर तो उससे काम आ जाएगा। देखो पूरी गंदगी निकलती है ना ऐसी करके, नेचुरल है। कुछ चीज़ हम यहाँ पे वैसी नहीं डाल रहे जो कि नेचुरल ना हो। ये देखो साफ हो रहा है बिल्कुल, एकदम पहाड़ी स्टाइल में मेरी तरह, एकदम पहाड़ी स्टाइल। ये देखिए लोकेशन दोस्तों, धुल गए हमारे बर्तन और भर लिया पानी। दाल देखने चलते हैं, दाल रखी हुई हमने, सीटी अभी तक नहीं आई, लगता आग बच गई तो उसको देखते हैं। और कुछ रास्ता ऐसा है देखो, और बस यहीं पे है हमारा टेंट। अभी लकड़ी भी लानी है, चलें फिर एक और बार आना है रात को पानी वानी भरने। यहाँ पे आप किसी भी पेड़ को ऐसे तोड़ नहीं सकते क्योंकि सब पे नंबर लिखे हैं देखो, और वो अच्छा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर है, वरना लोग तोड़ देते हैं और उसको जला देते हैं इसलिए। बट हम लोग वही लकड़ी यूज़ कर रहे हैं जो नीचे गिर चुकी है, जो टूट के सूख चुकी है। हम लोग कोई एक्स्ट्रा नहीं तोड़े किसी पेड़ से। तो गाइस जब तक सीटी आती है तो थोड़ी चाय और बची हुई थी, एक गिलास मैं और नीरज पी लेते हैं। आ गई सीटी, आ गई। देखो अभी एक और आ जाएगी तब बंद कर देंगे उसके बाद रख देते। तो गाइस अब रात के खाने की तैयारी हो रही है, मैं प्याज टमाटर काट लेता हूँ, तब तक ये इसमें तेल डालेगा, फिर उसके बाद जो दाल रखी हमने उससे इसमें मार देंगे तड़का, जो कि हमारे पास जीरा नहीं है बट उसके बिना ही तड़का मार देंगे हम लोग नॉर्मली, और फिर चावल रख देंगे इसके ऊपर, और फिर मैं पानी भर के ले आऊँगा, फिर उसको खाएंगे और फिर अपना टेंट लगाएंगे। टेंट इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी सी लाइट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेंट लगाने में कम से कम 15-20 मिनट जाएगा। मैं काटता हूँ प्याज टमाटर, आप लोग उस बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो गाइस सूरज बिल्कुल ढलने लग गया और 5 बजने वाले हैं शाम के, तो बहुत ज़्यादा मतलब अब अंधेरा सा होने लग गया। मैं यहाँ पे टेंट लगा लेता हूँ अपना, वो तब तक खाना बना लेगा। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बहुत मज़ा, तो तुम लोगों के खाने का, हमें तो बनाने का स्वाद लेना है। तो गाइस ये है हमारा टेंट, ये देखो स्टिक लग रही है, अभी हमें इसको डालना पड़ेगा एक छेद से दूसरे छेद में। तो गाइस फाइनली टेंट लगा दिया, अब इसकी दूसरी जो लेयर है जो कि है ये, इसको लगाना बाकी है। ये भी लगभग 5-6 मिनट में लग जाएगी, फिर कील घुटना हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एक बार इसके अंदर बैठ गए तो किसी का बाप नहीं उड़ा सकता हमें। यार 80 किलो के वजन को कौन उड़ाएगा, ऊपर से 32-33 किलो तो उसका वजन है कितना। तो गाइस पूरा सेटअप हो चुका है टेंट का, देखो कैसा लग रहा है हमारा टेंट। अब इसमें क्या है कि हम लोग ऐसे ऐसे करके सोएंगे, एक साइड हमारा सर रहेगा, एक साइड बैग हो जाएंगे, और इसको कर देंगे बंद, और अंदर से देखो कुछ ऐसा लगता है ये। तो सुबह जब उठेंगे चेन खोलेंगे, जो पहाड़ी का नज़ारा दिखेगा ना हमें बड़ा खूबसूरत दिखेगा। तो दोस्तों एक बार फाइनल सेटअप देख लो हमारा, ये बिछा दिया हम लोगों ने ठीक है नीचे, ताकि चुभे ना कुछ भी पत्थर वगैरह। ये हमारे स्लीपिंग बैग्स है, ये हमारे बैग है, अभी टॉर्च है जो यहाँ पे लगा देंगे बाद में, और थोड़ा यहाँ पे गपशप मारेंगे, इसको फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ जो हमारी दाल बन चुकी है, तो देखो ये हमारी दाल बन चुकी है, पीली दाल, अरहर की दाल। मज़ा आ रहा ना भाई? बहुत। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, आपको तो नहीं हो रही? नहीं नहीं मेरे को ये दिक्कत है। और ये देखो चावल रख दिया हमने, सब कुछ बढ़िया है, बस ये दो हमारे साथ जो हैं भैरव बाबू जी, ये कहाँ सोएंगे इतने ठंड में, क्योंकि पाला अभी से गिरने लग गया, तो एक ये है एक वो है, क्योंकि चीज़ों के ऊपर देख रहे हैं तो हल्का हल्का पाला गिर रहा है। और अभी शाम के सिर्फ 5:30 हो रहे हैं, 5:30 ये हाल है। और जो हमारे बैगों में फ्लैग थे वो हम पैरों की तरफ रख नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने उसको पेड़ पर टांग दिया, तो दोनों फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पर टांग दिए, तो रात भर फ्लैग यहीं पर रहेंगे, सुबह वापस उठा लेंगे। बस अब से सिर्फ 15-20 मिनट बाद सूरज ढल जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। व्यू देखो गाइस एक बार शाम का नज़ारा 5:30 बजे का,
बस बड़ा खूबसूरत लग रहा है, हमारा खूबसूरत सा टेंट देखो कितना प्यारा लग रहा है। गाइस फाइनली हमारी दाल भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये हैं, और देखो हमारे दूध यहाँ पे सो रहा है, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा आई डोंट नो। टेंट लगा दिया हमने, नहीं दिख रहा अभी मुझे मालूम है, और टॉर्च ला के दिखाता हूँ आपको, ये हमारी टॉर्च है, ये देखो एक ये सो रहा है, ये हमारा टेंट ये रहा, और एक टेंट के बगल में सो रहा है, दिख नहीं रहा अभी। सबसे पहले हम लोग उनका खाना लगाते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग अपना खाना लगाएंगे इसमें, तो पहले इन लोगों का खाना, मेहमानों का, उसके बाद हमारा। बढ़िया लग रहा है ना, बाकी लोडी क्या है और सो जाएंगे, बस सो जाएंगे, सोएंगे नहीं, गपशप करेंगे फिर थोड़ा सो जाएंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बज रहा है, और 6 बजे देखो कितना अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिखाई दे रहा गाइस। ये तो टॉर्च ला रहा हूँ, टॉर्च हटाऊं, फ्लैग उधर लगे, ये देखो टॉर्च ला रहा हूँ तो दिखाई दे रहा है, और हमारे फ्लैग देखो, बजरंगबली हमारे साथ है, और देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं, पूरा अंधेरा 6 बजे, जिस समय हम शहरों में सिर्फ चाय पी रहे होते, इस समय देखो यहाँ पे क्या हाल हो रहा है, हमारा मज़ा बहुत आ रहा है, हाल हो रहा है मतलब कि सिर्फ 6 बजे इतना ठंडा लग रहा है हमें, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। चावल भी बढ़िया बने हैं और सही बने हैं क्वांटिटी में, आओ ले आ जा खा, अच्छा लगेगा तो और मांगना, खा लो खा लो, ठीक है खा लो, अब हम भी खाते खा रहे, ये वाला भी खाने लग गया, बढ़िया खाओ 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 खाओ, चलो खाओ, अब हम भी खा रहे हैं गाइस, इतना बचा हुआ है अभी काफ़ी, मतलब हम लोगों के लिए, और हमसे भी बच जाएगा तो फिर दो हैं अपने साथ मेहमान, कल थोड़ा सा और जुगाड़ करते हैं राशन का, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कमी लग रही है मुझे, है ना। काफ़ी अच्छे लोग मिले हमें यहाँ पे, और काफ़ी हेल्प करी हम लोगों ने, अपना चार्ज लगा दिया उधर पे। जय श्री राम, जय बजरंगबली, वाओ वेरी नाइस, बढ़िया ना, सही है। तो गाइस वहाँ पे देखो आग जल रही है अभी भी, कोयले बंद रखे हैं, यहाँ पे एक कुत्ता सो रहा है, ठीक है, ये देखो दूसरा ये रहा कहाँ गया, भाग गया पीछे की साइड, पीछे की साइड चला गया, और ये रहा दूसरा, एक ये रहा, और हम दोनों भी टेंट के अंदर आ चुके हैं। चल भाई गुड नाइट, गुड नाइट, तो गुड नाइट गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल सुबह, जय हिंद जय भारत जय देवभूमि, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पैक हो चुके हैं बिल्कुल, बाहर बहुत तेज हवा आ रही है, और टाइम आप गैस कर सकते हो कितना हो रहा है, सिर्फ 7 बज रहे शाम के, बाप रे हम लोग इसे लेट गए क्यों बाबा, मजा आ रहा है ना यार, यकीन नहीं हो रहा यकीन नहीं हो रहा कि 7 बजे हम लोग पैक हो चुके हैं, अब लगभग सुबह 5 बजे तक, और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो टाइम यहाँ पे देख लो, टाइम देख लो, सात भी पूरा नहीं बजा, सात भी पूरा नहीं बजा, बचा हुआ है अभी 1 मिनट बचा हुआ है, पूरा पैक हो चुके हम लोग, सिल बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज।